ब्रह्मांड जहाँ हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है। इस यूनिवर्स की अनंत खाइयों में कई घटनाएं होती रहती हैं। कहीं तारों में विस्फोट हो जाते हैं तो कहीं ग्रह आपस में टकरा जाते हैं। यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यहाँ कुछ भी होना असंभव नहीं लगता। इस यूनिवर्स में आकाश गंगाओं का टक्कर भी आम बात है। ऐसा ही एक आकाश गंगा है एंड्रोमेडा, जो हमारे आकाश गंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक मौजूद है, जो कि भविष्य में मिल्की वे से टकराने वाला है। एंड्रोमेडा हमसे करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। रात के आसमान में बिना किसी यंत्र के सहारे दिखने वाला यह सबसे दूर मौजूद ऑब्जेक्ट है। इस गैलेक्सी का डायमीटर मिल्की वे का दोगुना है, जो कि करीब 2 लाख प्रकाश वर्ष है। यह गैलेक्सी मिल्की वे की ओर बढ़ रहा है, जो कि भविष्य में मिल्की वे से कोलाइड कर जाएगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रहा है, और आने वाले 4 बिलियन साल बाद यह आकाशगंगा मिल्की वे से टकरा जाएगा, जिसके बाद एक जायंट इलेप्टिकल आकाशगंगा का निर्माण होगा। एंड्रोमेडा में करीब 1 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद है, वही मिल्की वे में करीब 300 बिलियन सितारे मौजूद है। तो सवाल यह उठता है कि कितने सारे स्टार्स आपस में टकराएंगे जब इन दोनों आकाश गंगाओं की आपस में टक्कर होगी। मिल्की वे गैलेक्सी में सितारे एक दूसरे से काफी दूर मौजूद है। उदाहरण के लिए हमारे सन के सबसे नजदीक मौजूद जो स्टार है वो भी हमसे 4 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जो कि एक काफी बड़ा डिस्टेंस है। और ऐसा ही कुछ एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ भी है। हमारी आकाश गंगा में सितारों के बीच की एवरेज डिस्टेंस को अगर देखा जाए तो यह 160 बिलियन किलोमीटर होता है, जो कि हमारी कल्पनाओं से भी बड़ा है। इसलिए जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा की आपस में टक्कर होगी तो सितारों के आपस में टकराने की संभावना बहुत कम है। हालांकि कुछ सितारे गैलेक्सी से बाहर जा सकते हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के आपस में टकराने के बाद इनके सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का क्या होगा? मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों के ही सेंटर में विशालकाय सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मौजूद है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी आखिर में एक दूसरे में समा जाएंगे, जिससे और भी बड़ा ब्लैक होल का निर्माण होगा, जो नए बने आकाशगंगा मिल्ड्रोमेडा को आपस में बांध कर रखेगा। हमारे सौर मंडल का क्या होगा? वैज्ञानिक अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बताते हैं कि इन दोनों आकाशगंगाओं के मिल जाने के बाद हमारा सौर मंडल गैलेक्टिक सेंटर से 3 गुना अधिक दूर फेंक दिया जाएगा। कुछ साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि हमारा सौर मंडल इस गैलेक्सी से ही बाहर चला जा सकता है। लेकिन आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से बहुत पहले ही धरती पर मौजूद सारे इंसानों का सफाया हो जाएगा। इन दोनों आकाश गंगाओं के टकराने से बहुत पहले ही सन के बढ़ते हीट के चलते अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पर लिक्विड वाटर का रह पाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे धरती पर मौजूद लाइफ का सफाया हो जाएगा। मान लेते हैं कि फिर भी किसी तरह से इस धरती पर इंसान रह जाता है, तो उस समय यहाँ पर मौजूद लोगों को रात्रि में आकाश बिल्कुल ही अलग दिखेगा, जो कि नए सितारों से भर जाएगा।